हेलो गाइस, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ इस वीडियो में कि हम अपने डार्क सर्कल को कैसे हाइड कर सकते हैं। डार्क सर्कल, अपने एक्ने मार्क्स, अपने पिगमेंट एरिया को कैसे हाइड कर सकते हैं, आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। अब ये दो तरीके से हम हाइड कर सकते हैं, एक तो होता है ऑरेंज कलर करेक्टर और एक होता है नॉर्मल कंसीलर जिसे हम अपने अंडर आई पर अप्लाई करते हैं। हाईलाइटिंग वाला कंसीलर नहीं, जिससे हम अपने अंडर आई पर डार्क सर्कल को हाइड करने के लिए करते हैं। अब होता क्या है, किसी किसी को बहुत हैवी पिगमेंट होता है, किसी किसी को बहुत लाइट होता है। अब जिनको हैवी है वो क्या करें, उनके लिए होता है ऑरेंज कलर करेक्टर। अब वो उनको अपने सिंपली जहाँ जहाँ पिगमेंट एरिया है, जैसे कि अपनी अंडर आई, अपने डार्क एरिया, पिगमेंट एरिया, अगर आपको एक्ने मार्क्स है आप वहाँ पर उसे अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको सिंपली क्या करना है, कलर करेक्टर को अपने उस एरिया पे अप्लाई करना है, देन उसको ब्लेंड करना है, फिर हम अपना नॉर्मल कंसीलर अप्लाई करते हैं। अब जिनको हैवी पिगमेंट नहीं है वो क्या करें, वो अपना नॉर्मली कंसीलर अप्लाई करके भी काम चला सकते हैं। अब जिन्हें हैवी है वो ऑरेंज कलर करेक्टर लगाएंगे, जिन्हें नहीं है वो अपना नॉर्मल कंसीलर अप्लाई करके भी अपने डार्क सर्कल, अपने पिगमेंट एरिया, अपने एक्ने मार्क को हाइड कर सकते हैं। अब कलर करेक्टर कितने तरह के होते हैं, नॉर्मली कलर करेक्टर दो तरह के होते हैं, एक होता है ऑरेंज कलर करेक्टर और दूसरा होता है ग्रीन कलर करेक्टर। ग्रीन कलर करेक्टर हम अपने रेड प्रॉब्लम को हाइड करने के लिए करते हैं, जैसे कि जो हमारा एक्टिव पिंपल होता है, एक्टिव पिंपल मतलब कि जो हमें पिंपल अभी अभी हुआ है उसका मार्क क्या होता है, रेड कलर का होता है, उसको हाइड करने के लिए हम ग्रीन कलर करेक्टर का यूज़ करते हैं। अब उसको यूज़ कैसे करते हैं वो भी आपको मैं वीडियो के एंड में बताऊंगी, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे इस वीडियो को। अब मैं मॉइस्चराइज़र के लिए यहाँ पर लैक्मे का बीच मिल्क मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रही हूँ, जिसे मैं अच्छे अमाउंट पर अपने पूरे फेस पे अप्लाई करूँगी। अब मैं ये प्राइमर के लिए एलोवेरा जेल यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास प्राइमर है तो बहुत अच्छी बात है, आप प्राइमर लगाइएगा। अगर जिनके पास प्राइमर नहीं है उनके लिए मैं एलोवेरा जेल का सजेशन दे रही हूँ। अब मैंने जो मॉइस्चराइज़र लगाया था उसको मैंने पहले अच्छे से ड्राई होने दिया, देन मैं ये प्राइमर के लिए एलोवेरा जेल यूज़ कर रही हूँ। इसको भी मैं 3 से 4 मिनट रुक के इसे ड्राई होने दूँगी, देन मैं अपने नेक्स्ट स्टेप की ओर आगे बढ़ूँगी। अब इसको मैं अपने हाथ में से ब्लेंड करूँगी कुछ इस तरीके से। अब मैं अपने डार्क सर्कल को कंसीलर की हेल्प से हाइड करने के लिए ये मेबलिन फिट मी का कंसीलर यूज़ कर रही हूँ, जिसका शेड नंबर है मीडियम 25। अब ये जो मैं कंसीलर यूज़ कर रही हूँ ये मेरे फाउंडेशन शेड के एक दो शेड लाइटर है, मुझे ज़्यादा हैवी पिगमेंट नहीं है ना हैवी डार्क सर्कल है, इसलिए मैं सिर्फ नॉर्मली कंसीलर यूज़ कर रही हूँ, जिसे मैं यूजली कवर अप करती हूँ अपने डार्क सर्कल और पिगमेंट एरिया। तो आप भी अपने जो एक्चुअल शेड होता है उससे एक दो शेड लाइटर ही कंसीलर पिक करिएगा। अगर आपके मेरी तरह हैवी डार्क सर्कल नहीं है तो आप नॉर्मली कंसीलर अप्लाई करके भी कर सकते हैं। इस साइड में आपको नॉर्मली कंसीलर के साथ अपने पिगमेंट और डार्क सर्कल हाइड करना बताऊंगी, और इस साइड ऑरेंज कलर करेक्टर और कंसीलर कैसे यूज़ करते हैं ये मैं बताऊंगी। तो सबसे पहले हम नॉर्मल कंसीलर अप्लाई करके अपने डार्क सर्कल हाइड करना बताती हूँ मैं आपको। अब मैं क्या करूँगी, इस कंसीलर को नॉर्मली अपने पिगमेंट एरिया पर अप्लाई करूँगी कुछ इस तरीके से। अब आप देख ही सकते हैं जहाँ मैंने एक साइड नॉर्मली कंसीलर अप्लाई करा और इस साइड में कलर करेक्टर अप्लाई करूँगी अभी। अब इसको सिंपली मैं एक ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से ब्लेंड कर लूँगी। याद रखें कि ब्यूटी ब्लेंडर हमेशा वेट होना चाहिए। आप चाहे तो अपने कंसीलर को ब्लेंड करने के लिए यहाँ पर ब्रश का भी यूज़ कर सकते हैं और ब्यूटी ब्लेंडर का भी यूज़ कर सकते हैं, बस याद रखिएगा ब्यूटी ब्लेंडर को वेट करना ज़रूरी है। ये मेरा ब्यूटी ब्लेंडर जिसे मैंने अच्छे से वेट कर लिया है, अब मैं इसे ब्लेंड करूँगी कुछ इस तरीके से। अब ये देखिए ऑलमोस्ट मेरे जो डार्क एरिया थे, पिगमेंट एरिया थे, वो कवर अप हो चुके हैं सिंपली एक कंसीलर अप्लाई करके। अब मैं आपको इस साइड अपने ऑरेंज कलर करेक्टर अप्लाई करके बताऊंगी।
अब मैं यहाँ ऑरेंज कलर करेक्टर के लिए एले गल का प्रो कंसीलर यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास ऑरेंज कलर करेक्टर नहीं है तो आप रेड लिपस्टिक का भी यूज़ कर सकते हैं। अब जहाँ जहाँ मुझे पिगमेंट एरिया है वहाँ वहाँ मैं इसे ऑरेंज कलर करेक्टर अप्लाई करूँगी। याद रखिए ज़्यादा ना अप्लाई करें, उसको हाइड करने की बहुत दिक्कत पड़ेगी हमें नहीं तो। अब इसे हम नॉर्मली ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड कर लेंगे। अब आप देख ही सकते हैं कि मैंने ऑरेंज कलर करेक्टर अपने पिगमेंट एरिया पे अप्लाई कर लिया। अब मैं नॉर्मली वही कंसीलर यूज़ करूँ जो मैंने इस साइड यूज़ किया था। अब उसे मैं सिंपली अपने ऑरेंज कलर करेक्टर जहाँ जहाँ अप्लाई कर रहा हूँ वहाँ वहाँ इसको अप्लाई करूँगी। अब मैं क्या करूँगी, इस कंसीलर को ब्लेंड करने के लिए सेम ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ कर रही हूँ। पर एक चीज़ का ध्यान रखें, जिस साइड से हमने ऑरेंज कलर करेक्टर को ब्लेंड किया है उस साइड से हम अपने कंसीलर को ब्लेंड ना करें, क्योंकि उसमें ऑरेंज कलर करेक्टर के कुछ पार्टिकल्स अभी भी हैं, वो ना हमारे पूरे फेस पर भी लग सकते हैं। तो दूसरे साइड से आप कंसीलर और फाउंडेशन को ब्लेंड करिएगा। अब आप देख ही सकते हैं कि ऑरेंज कलर करेक्टर और कंसीलर ने मेरा कैसा पिगमेंट हाइड किया है, डिफरेंस आपको दिख ही रहा है सामने। अब मैं फाउंडेशन के लिए लॉरियल का ट्रू मैच फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ। इसमें मेरा शेड है गोल्डन बीच। मैंने अपने आईब्रो फिल कर लिए। अब मैं इस फाउंडेशन को कंसीलर ब्रश की हेल्प से अपने पूरे फेस पर स्प्रेड करूँगी, देन सेम ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से ब्लेंड करूँगी। क्योंकि देखिए, जिस साइड हमने ऑरेंज कलर करेक्टर यूज़ किया था वहाँ वहाँ थोड़ा रेडनेस है, क्योंकि हमने ऑरेंज कलर करेक्टर यूज़ किया इसलिए ऑरेंज कलर उसका दिख रहा है। इधर थोड़ा सब इवन है पर इधर थोड़ा दिख रहा है, तो फाउंडेशन हम अप्लाई करेंगे तो उससे सब कवर अप हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि फाउंडेशन मैंने अपने पूरे फेस पे अप्लाई कर लिया है। अब मैं सेम ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से इसमें पूरे फाउंडेशन को ब्लेंड करूंगी। जिस साइड से मैंने ऑरेंज कलर करेक्टर ब्लेंड किया था उस साइड से नहीं, मैं दूसरी साइड से अपना फाउंडेशन को ब्लेंड करूंगी। अब मैं अपने बेस को सेट करने के लिए हम मेबलिन फिटमी का कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ कर रही हूँ। आप चाहे तो लूज़ पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। अब कॉम्पैक्ट को सेट करने से पहले हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है कि हमने अब बहुत बार अपनी आई ब्लिंक कर ली है, तो हमारे जो अंडर आई पे और आई लिड पे बहुत सारे क्रीजेस बन गए होंगे, तो उसको कैसे हाइड करें। हम नॉर्मली अपना ब्यूटी ब्लेंडर लेंगे और अपनी अंडर आई को एक बार ऐसे ब्लेंड करेंगे और यही पोजिशन रखिएगा आपका, ब्लिंक बिल्कुल मत करिएगा, इधर उधर मत देखिएगा। कुछ इस तरीके से आप अपनी अंडर आई और आई लिड को परफेक्टली सेट कर सकते हैं। सेम प्रोसेस दोनों आईज पे जाएंगी। आईज मेरी दोनों सेट हो गई हैं। अब मैं अपने पूरे फेस को सेट करूंगी। आप देख ही सकते हैं कि कंसीलर ने भी और कलर करेक्टर ने भी मेरा अच्छा काम कर दिया अपनी प्रॉब्लम्स को हाइड करने में। तो गाइस, आपने देख लिया मेरा फाइनल लुक, आप क्लोजली भी देख सकते हैं।
तो आप देख ही सकते हैं कि ये कंसीलर वाला पार्ट था और ये ऑरेंज कलर करेक्टर वाला पार्ट, दोनों ने ऑलमोस्ट सेम काम किया है। अगर आपके हैवी डार्क सर्कल है तो आप ऑरेंज कलर करेक्टर का यूज़ करिएगा, अगर आपके पास ऑरेंज कलर करेक्टर नहीं है तो कोई इशू की बात नहीं है, तो आप रेड लिपस्टिक का भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको मेरी तरह बहुत कम पिगमेंट है तो आप डायरेक्ट कंसीलर अप्लाई करके भी अपना काम चला सकते हैं। अब जिनको एक्ने मार्क्स है तो उनके लिए भी ऑरेंज कलर करेक्टर ही वर्क करेगा, उनके लिए नॉर्मल कंसीलर अप्लाई करके उनके एक्ने मार्क हाइड नहीं होंगे, तो पिंपल मार्क को हाइड करने के लिए ऑरेंज कलर करेक्टर या रेड लिपस्टिक लगाइएगा। अब बारी आती है हमारे ग्रीन कलर करेक्टर की। अब मुझे गाइस रेड कलर की प्रॉब्लम नहीं थी, ना मुझे पिंपल हो रहे थे और ना मेरे को रेड कलर की कोई प्रॉब्लम है, तो इस वजह से मैं आपको अपने फेस पे अप्लाई करके नहीं बता पाई कि ग्रीन कलर करेक्टर कैसे अप्लाई करते हैं। अब ग्रीन कलर करेक्टर को कैसे यूज़ करते हैं मैं आपको ऐसे एक्सप्लेन कर देती हूँ। अब देखिए, जैसे हमें रेड कलर की प्रॉब्लम हो रही, जैसे कि हमारे पिंपल के मार्क हो गए, वो जब नए नए पिंपल आते हैं तो उसका कलर होता है रेड कलर का, उस तरह की जो रेड प्रॉब्लम होती है हमारे स्किन पे, तो उसको कवर अप करने के लिए हम क्या करते हैं, ग्रीन कलर करेक्टर लेते हैं, उसे जहाँ जहाँ हमें वो प्रॉब्लम हो रही है वहाँ वहाँ उसको सिंपली अप्लाई करते हैं, ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड करेंगे, देन उसके बाद जो हम नॉर्मल कंसीलर यूज़ करते हैं अपने शेड के अकॉर्डिंग वो कंसीलर अप्लाई करेंगे, तो उससे क्या होगा, जो हमारी रेड कलर की प्रॉब्लम थी ना वो हाइड हो जाएगी, मतलब सो कलर हाइड हो जाएगा, रेडनेस होती ना वो हाइड हो जाएगी। तो हमारे ग्रीन कलर करेक्टर का यूज़ हम ऐसे करते हैं। आई होप मैंने आपको ऑरेंज कलर करेक्टर, कंसीलर और ग्रीन कलर करेक्टर के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन करा हो। अगर आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों और फैमिली के साथ, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आगे की वीडियो आप किस तरह की देखना चाहते हैं और आगे मैं आपको मेकअप से रिलेटेड क्या बताऊँ। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस, टेक केयर।